क्या ये ठेले पे हम लोग खाएंगे? नेहा, शादी के बाद तू मुझे यहाँ पे लेके आए, वो भी ठेले पे, सड़े से ठेले पे खाना खाने के लिए? क्या बोलूं यार मैं तुमको, मैं नहीं खाना चाहता ये सब। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, यहाँ का टेस्ट, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, एक बार आप खा कर तो देखो। आप भी ना सच में बिल्कुल पागल हो। अरे हम लोगों के पास बहुत पैसा है यार, पैसे की कमी नहीं है, 5-star होटल में जाके खाना खाओ ना, यहीं पे आके क्यों ठेले पे खाना खिलवा रही हो? कुछ भी हो मुझे तो यहीं खाना खाना है। कुछ नहीं हो सकता, ठीक है खिलवा देता हूँ। अरे भैया एक प्लेट पराठा लगाना यार। अरे आगे, थैंक यू थैंक यू। मेरा देसी पराठा आ गया, आपको टेस्ट करना है? वैसे कितना होगा इसके? एक मिनट सर। हेलो, हाँ भाई मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, उधर कस्टमर के साथ में हूँ। ओके ठीक है डन सर, एक प्लेट का ओनली 60। अरे भाई एक मिनट, मुझे बस ये बताओ तुम पराठा बेच रहे हो, इतने अच्छे तुम ऑफिशियल कपड़े पहन के रखे हो, हाथ में ब्रांडेड घड़ी है और दूसरे हाथ में आईफोन, हमारे साथ कोई मजाक वजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरा मजबूरी है। मजबूरी है? ऊपर वाला ऐसी मजबूरी सबको दे, लॉटरी वोटरी लगी है क्या, चोरी करके आए हो? नहीं सर मैं चोर नहीं हूँ, मेरा तो किस्मत ही खराब। किस्मत मुझे साफ साफ बताओगे? बात ऐसी है सर, सिटी के अंदर मेरा बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, तो ज्यादा पैसा आने लगा, तो इसी टाइम में सर मैंने गाड़ी लिया, मोबाइल ले लिया, गाड़ी ले लिया, घर बनाया, फिर अचानक से मेरा रेस्टोरेंट में आग लग गई, तो सब कुछ बर्बाद, फिर मेरा सारे स्टाफ भी छोड़ के चले गए, फिर मैंने ये छोटा ठेला से मैंने शुरुआत किया। आप जो ये देख रहे हो ना सब किस्तों में चल, ये सब कुछ भरपाई करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो फिर रेस्टोरेंट से ठेला पे आ गया। अच्छा ऐसा है क्या, चलो ठीक है ये लो आपके पैसे। थैंक यू सर। देखा इसलिए मैंने कहा था कभी भी पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है सही बोल रही हो। अब पता चला मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई थी, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था, मैं शादी से पहले यहाँ खाना खाने आती थी, इनका खाना बहुत टेस्टी था, इनका होटल इतना चलता था कि बहुत सारी लाइनें लगती थी, पर देखो आज उनकी क्या हालत है, इसलिए पैसे पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है, भगवान ने आज जिसे राजा बनाया है कल उसे रंक भी बना सकता है, इसलिए जो हमारे पास है उसका शुक्र मनाना चाहिए, क्योंकि किसी और के पास तो इतना भी नहीं है। ओके चलो चलते हैं। अरे भाई एक मिनट इधर आएंगे आप। अजय भाई बोलिए। भाई आप मुझे कल बता रहे थे ना कि आपकी दुकानों में आग लग गई थी, तो मैं ना एक बात बोलना चाहता हूँ आपको, मेरी ना मेन सिटी मार्केट में 2 दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, तो मैं सोच रहा था कि वो आपको दे दूं, आप अपना वापस से बिजनेस स्टार्ट कर दो। लेकिन सर मेरे पास किराया देने के लिए पैसा नहीं है। अरे नहीं भाई किराए की चिंता आप मत करो, जब आपके पास अच्छी कमाई चालू हो जाए, अच्छे से पैसे आने लग जाए, जब आपको लगे कि आप मुझे पैसे दे सकते हो तब आप मुझे पैसे दे। लेकिन सर आप मुझे जानते भी नहीं हो, और कल ही हमारा मुलाकात हुआ, आज इतनी बड़ी हेल्प कैसे? हाँ भाई ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है यार, कि मैं आपको नहीं जानता, लेकिन हाँ जीवन में ना मैंने एक बात बहुत अच्छी सीखी है, जो कि ये है कि पैसे ना हाथ का मेल होता है, आज मेरे पास है कल आपके पास होगा और हो सकता है परसों किसी और के पास हो, ये जीवन का ना समय चक्र है, तो मैंने सोचा कि इंसान ही इंसान के काम आता है, और वैसे भी हम लोगों को ना इंसानियत दिखानी चाहिए। आज भाई मेरे पास पैसा है तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, कल से अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो कोई ना कोई होगा ना कि कोई तो मेरी मदद करेगा, तो हमारे अंदर ना इंसानियत होना चाहिए, बस यही सोच के मैं आपके पास आ गया और आपकी मदद करने का सोचा। आपने सही कहा भाई, आज मुझे भी सबक मिला, हर जिंदगी में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और बुरे समय में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई, और हाँ कभी भी मेरी जरूरत लगे ना तो मुझे याद कर लेना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि अगर ऊपर वाले ने हमें पैसा दिया है तो उसका कभी घमंड ना करें, और अपने से छोटे इंसान की कभी बेइज्जती ना करें, क्योंकि आज अगर आपके पास बहुत पैसा है ना तो हो सकता है कल किसी और के पास भी बहुत पैसा हो, तो आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि कभी कोई किसी की बेइज्जती ना करें और सब लोगों की इज्जत करें, ईमानदारी रखें, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा।